बैक इन माई रूम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रूम में अमेनिटीज़ हमारे पास क्या है। रूम में जी हमारे पास दो 1.5 लीटर की मिनरल वाटर्स हैं, उसके साथ ही चाय का सामान है, साथ हमें यहाँ पे मैरी बिस्किट भी मिल रहे हैं और हमें कॉफ़ी का सामान भी मिल रहा है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे लगी वो है ये ड्रॉअर है जी, जिसके ऊपर आप चीज़ें रख के प्रिपेयर कर सकते हैं, चाय वगैरह बना सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो मुझे चीज़ लगी इस रूम में वो है ये वाली पेंटिंग। जैसे कि अभी हमने गार्डन में भी देखा था, बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हमने देखे, तो ये जो बेसिकली पेंटिंग है ये पैरेट, ये इस चीज़ को डिपेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बटरफ्लाई भी बनी हुई है और मुझे पता चला है कि ये सारे के सारे रूम्स में आपको यही पेंटिंग नज़र आएगी और यही बटरफ्लाई बनी हुई नज़र आएगी। बेड की तरफ चलते हैं जी, तो बेड में ऑब्वियसली आपको दो साइड टेबल्स मिलती हैं और उसके साथ एक ये मिरर के ऊपर माउंटेड लैंप मिलता है। इस बेडरूम में आपको दो साइड टेबल्स मिलेंगी, एक का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है और दूसरी का जो साइज़ है वो रेगुलर साइज़ जिस तरह का होता है एक साइड टेबल का वो है। हम बड़ी ड्रॉअर की तरफ चलते हैं, बड़ी साइड टेबल की तरफ चलते हैं और इसकी स्मूथनेस चेक करते हैं। नाइस, वेरी नाइस व्यूअर्स। ऑल दो ये प्रॉपर्टी 1992 में तैयार हुई थी, लेकिन ये आज भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और इसका जो फर्नीचर है, इसकी जो फील है, इसकी वॉल्स, इसकी सीलिंग्स, वो आपको बिल्कुल एज गुड एज न्यू लगेंगी। व्यूअर्स अब हम बेड कंफर्ट चेक करेंगे। वेलकम टू पीसी बूर्बन, आई लव दिस टच। हाँ व्यूअर्स, मज़ा आ गया। जितना मैं थका था ना, सारी थकान मेरी उतर गई है, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, लेकिन अगर मैं सो गया तो बाकी का रूम जो है वो कौन रिव्यू करेगा, तो सो हम नहीं सकते। व्यूअर्स एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को वो ये है कि इस बेड का हेडबोर्ड जो है वो सॉफ्ट है, तो इसलिए अगर आप टेक लगा के बैठेंगे तो आप बड़े कंफर्टेबल रहेंगे। आपको साइड टेबल्स में दो मिरर्स भी मिलते हैं और उसके अलावा इस रूम में आपको टोटल तीन चेयर्स मिलती हैं, तीन सोफाज मिलते हैं। द कंफर्ट इज ऑन पॉइंट, द कलर इज वेरी रिफ्रेशिंग। इस सेटअप के अलावा वी हैव अ स्टडी टेबल सेटअप एज वेल, उसके साथ एक जबरदस्त किस्म का ओवल शेप मिरर आपको यहां पे मिलेगा, तो इसको एज अ ड्रेसर भी यूज कर सकते हैं आप, और आप इसको एज अ स्टडी टेबल भी यूज कर सकते हैं। लैम्प का एंगल बेहतरीन है। आई जस्ट लव द रूम। व्यूअर्स मीडिया वॉल की बात कर लेते हैं, तो 50 इंचेस की LED जो है यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगी वो है रोप लाइटिंग का जो एलिमेंट है ना, जो आउटलाइन दी हुई है, वो बहुत ही ज़बरदस्त फील, एक लुक और फील क्रिएट कर रहा है इस रूम में। रूम क्लॉसेट में आपको डिजिटल लॉकर मिलता है, जाय नमाज मिलती है, शू शाइनर और सॉफ्ट स्लाइड्स भी मिलती हैं। इस रूम में आपको फुल लेंथ मिरर भी मिलता है और साथ ही अब वॉशरूम की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, वॉशरूम का जो डोर है वो स्लाइडिंग है, जनरली स्लाइडिंग डोर जो हैं वो नहीं होते, लेकिन ये इस डोर का फ़ायदा ये हो जाता है कि स्पेस बहुत कम यूटिलाइज करता है डोर। वॉशरूम में आपको 5-स्टार वॉशरूम एमिनिटीज़ मिलती हैं। हेयर ड्रायर के साथ साथ ओवरऑल वॉशरूम की लुक भी मॉडर्न लाइंस पर देखने को मिलती है। रूम सर्विस प्लीज। गुड इवनिंग जी। व्यूअर्स इन ओनली 6 मिनट्स 46 सेकंड्स मेरी चाय जो है वो मेरे रूम तक आ गई है, और आपको बताता चलूं कि दिस इज़ द न्यू रिकॉर्ड जो पर्ल कॉन्टिनेंटल बूर्बन ने बना लिया है। प्लीज़
चाय का कप हो और बालकनी से ऐसा व्यू आता हो तो कोई क्यों उस व्यू को एंजॉय करते हुए चाय नहीं पिएगा। व्यूअर्स, अब हम कर लेते हैं वाईफाई टेस्ट। इंटरनेट का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हिल स्टेशन पे। तो देखते हैं कि हमें यहाँ इंटरनेट की स्पीड क्या मिल रही है जो हमें ये प्रॉपर्टी दे रही है। ओह, इट्स प्रीटी फास्ट, 36 ऑन अ हिल स्टेशन, वाओ। This is the first time ever कि मैं एक होटल में टेनिस खेल रहा हूँ। Loved the experience. You will experience very well maintained swimming pool along with a beautifully built play area for the kids.